नमस्कार, मैं हूँ आशी तिवारी संगीत भोजपुरी से, और आज मैं हूँ एक बहुत प्यारा गाना जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं संतोष पुरी, और जिसमें ये वॉइस आने वाला है वो हैं एमी। एमी सबसे पहले तो आप बहुत हैंडसम हैं, आपने भोजपुरी में एंट्री मारी है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। संतोष जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी की ज़रूरत है भोजपुरी में, नहीं तो कोई इधर उधर देख रहे होगे आप लोग कैसे कैसे पर्सनालिटी है लोगों की। तो हम बात करेंगे लव चांस जो है, लव चांस नाम है इस गाने का, कैसा गाना है और क्या है ये आप बताइए हमें। देखिए, लव चांस जो गाना है एल्बम का, ये बहुत ही एक अलग टाइप का गाना हम लोग बना रहे हैं, जिसमें फोक के साथ साथ हम लोग आजकल का जो साउंड है, आजकल की जो सोच है, आज जो चल रहा है इंडस्ट्री में, जो नया एक साउंड है जिसकी ज़रूरत है भोजपुरी को, हम लोग वो कर रहे हैं। फोक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नया वेरिएशन भी है इसमें, जो एक अलग साउंड देगा। अच्छा एमी, जहाँ तक मैंने सुना आपकी वॉइस, मुझे शायद आप भोजपुरी से बिलोंग नहीं करते हैं, कितना डिफ़िकल्ट है समझना भोजपुरी को? डिफ़िकल्ट कहते हैं ना कि आज के टाइम में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी दिल से चाहो ना तो हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं भोजपुरी लैंग्वेज बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, अबोहर से हूँ मैं, और इनिशिएटिव मेरे को दिया था रोहन जी ने, जो मेरे जो पहले ट्रैक आए थे जय जय बिहार और बाबा जी के बूटी, उनसे मेरे को इनिशिएटिव मिला था। उसके बाद मैंने सोचा कि यार कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिहार से जो दो गानों के बाद मेरे को प्यार मिला, लोगों ने थोड़ी पहचान दी, तो मेरे को लगा कि यार कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए फिर संतोष पुरी से बात होने के बाद अपना ट्रैक लाने की सोची। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भोजपुरी वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग पंजाबी एल्बम्स को भी बहुत प्यार देते हैं, और ये मुझे पर्सनली जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि पंजाब से बिलोंग करने वाले एमी को भोजपुरी बहुत पसंद है। संतोष भाई, रैप जो है गाने में आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो यार, क्या कहाँ से इतनी क्रिएटिविटी लाते हो? कुछ बता, सब ऊपर आप लोग का प्यार है, दर्शकों का प्यार है, जो मुझे प्रोत्साहन देते हैं कि हमेशा मैं कुछ नया करते रहूं, तो यही है, आप लोग का प्यार है। नहीं, आपने ना, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई भी ऐसा जो स्टार है भोजपुरी का उसे इन्होंने नहीं गवाया है, है ना? मुझे नहीं लगता कि आपने किसी कोई भी बाकी है, चाहे वो दिनेश जी हैं, कैसे मतलब पूरे कौन कौन बाकी है, हम चाहेंगे कि आप बताएं सबसे कि किसकी पहली फिल्म आपने किया। पहला फिल्म तो मेरा पवन सिंह का है, पवन सिंह का भी वो पहला ही फिल्म था, रंगली चुनरिया तोहरे नाम। फिर मैंने दिनेश जी का फिल्म किया, निरहुआ रिक्शा वाला, उस पर से फिर बहुत सारे, कम से कम 70-80 फिल्में हो गई मेरी, और एल्बम तो बहुत सारे हैं। जैसे टी सीरीज से शुरुआती दौर में मैंने 17 कैसेट, जब गुलशन कुमार थे उसी समय कंटिन्यू 17 एल्बम मैंने हिट दिए थे, जिसमें अइले मोरे राजा, राजधानी पकड़ के आजियो, बलम भोजपुरिया, पुरवा बेयार, काफ़ी सारा एक लाइन से गाना था देवी जी का। उसके बाद मैं कुछ गाने मेरे हिंदी फिल्मों में भी मैं कर रहा हूँ, हिंदी भोजपुरी दोनों भाषा में करता हूँ, भोजपुरी मेरी माटी है इसलिए भोजपुरी को मैं पहला प्यार देता हूँ, और हिंदी में भी लगा हुआ हूँ, आप लोग का दुआ रहेगा तो मैं दोनों क्षेत्र में कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। अच्छा एमी, जो आपके इधर के पंजाब के गुरु रांधवा हैं, उनको पवन सिंह की आवाज़ बहुत पसंद है, आपने कभी ऐसा, जब आप गा रहे हो ऑलरेडी, आपका एक सॉन्ग पहले भी रिलीज़ हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कौन सबसे बेहतर गाता है, या आप जो एक नया जो ट्रेंड लेके चल रहे हो, लोगों को कितना पसंद आएगा? सी, सब जो कहते हैं ना कि कुछ कोई आर्टिस्ट है वो सब अपनी जगह पे बेस्ट हैं, ठीक है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा गाते हैं। मैं इंस्पायर हुआ हनी सिंह से, ठीक है, जैसे हनी सिंह पंजाब में एक पंजाबी इंडस्ट्री को नया रेवोल्यूशन दिया उन्होंने, हनी सिंह जी ने, जब वो नहीं थे, उससे पहले जो ट्रैक आते थे नॉर्मल, वही एक पुराना चल रहा था, डोप नहीं था, हनी सिंह जब आए हैं उसके बाद डोप लेके आए, तो अभी बिहार में वही चल रहा है। बिहार में जो आज से 10 साल पहले पंजाब में चल रहा था वो अभी बिहार में चल रहा है। मेरा क्या प्लान है, मेरा प्लान है कि संतोष पुरी जी के साथ मिलके एक डोप लाने का प्लान है, कि कुछ अश्लीलता से हटके दिया जाए और थोड़ा सा कहते ना कि एक हिप हॉप टाइप, वो देने का मेरा प्लान है। तो संतोष जी, अश्लीलता को कैसे दूर करोगे आप? देखिए, अश्लीलता क्या है कि हर समाज में है, अश्लीलता को हम लोग पूरी तरह से मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि सबको कोई बदल नहीं सकता है, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, और हम लोग कोशिश कर सकते हैं,
उस आग को बुझाने की, हम लोग गंगा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अपने शब्द गंगा से इस पाप को धोने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो इस गाना को सुनेगा, जो पसंद करेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को हम लोग सुना नहीं सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि हर वो जो अच्छा श्रोता है भोजपुरी का, जो अच्छे गीत के तलाश में रहता है, जो फैमिली परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं, उनको ये हमारा गाना काफ़ी संतुष्ट करेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि फुल साउंड में कहीं भी बजा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई भी सुने कोई दिक्कत नहीं, अपनी माँ बहन के साथ बैठ के आप सुन सकते हैं, गानों को एंजॉय कर सकते हैं। और रोमांस भी है, ऐसा नहीं कि बहुत हम लोग धार्मिक बना दिए हैं, धार्मिक भी नहीं है, लेकिन रस उतना ही मिलेगा, लेकिन सम्मान के साथ रस मिलेगा, इज्जत के साथ रस मिलेगा। तो आपने इतनी बड़ी बात बोली है, इज्जत के साथ रस मिलेगा, तो हम लोग चाहेंगे, जो भी हमारी ऑडियंस चाहेंगे कि आप दोनों इस गाने को गुनगुनाएं एक साथ। अब ये बड़े हैं, आप छोटे हैं, कैसे मैनेज? इसके लिए मैं दर्शकों से क्षमा चाहूँगा और आपसे भी, क्योंकि एक मिनट मैं बोलूँगा, ये मैं खुद ही बोल दूंगा, लोग चोरी कर लेंगे। चोरी करने की बात नहीं है, क्या होगा कि जब चीज़ सज संवर के जब लोगों के पास जाएगी तो उसका मज़ा कुछ तो सेक्रेट रहे कि आप लोग को सरप्राइज मिले कि ये गाना आया। अभी वो लोग ओपन कर देंगे तो इसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपके लिए मैं अपना ही कुछ एक नया जो आ रहा है वो मैं सुनाऊंगा आपको, वो मैं सुना देता हूं। जैसे आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा पवन सिंह के फिल्म का गाना, निरहुआ जी के फिल्म का गाना, वो सब मेरा ही गाना है, तो एक मैं उन्हीं लोग के गाने में से सुना देता हूं। जैसे पवन सिंह का पहला फिल्म का गाना था कि लागल आके करजवा में नैना के बान चला दी हलू, सीधा साधा किसना के प्रेम के रोग लगा दी हलू, हम मनवा लग अब तो हरे गाँव में, हमके रखिया प्रीतिया के छाँव में, हाय हमके रखिया प्रीतिया के छाँव में, हो डसलस हमके प्रेम नगिनिया जहरिया चढ़ते जाए, नस नस में अब उठे लहरिया दर्दिया बढ़ते जाए, तोहरे बहिया में मिले लाराम, हम तरंगली चुनरिया तोहरे नाम, है हम तरंगली चुनरिया तोहरे नाम। तो ये जितने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उतना अच्छा गाते भी हैं। अभी हम लोग एमी से बोलेंगे, जय जय बिहार भी होगा, और एमी से बोलेंगे कि ये अपने फ्लेवर में कुछ शुरुआत कर सकते हैं। एक्चुअली मैं रैप करता हूँ बेसिकली, और अभी जो ये लव चांस गाना आ रहा है इसमें सिंगिंग भी मैं ही कर रहा हूँ। अभी मैं आपको सुनाता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहला रैप लिखा था। शे एमी मेरा नाम रखा मेरे ही यारों ने, सोचते होंगे क्यों रखा बिचारों ने, अब बेटा सोचना बालों को नोचना, एमी को गूगल विकिपीडिया पे खोजना, ये इश बॉय एमी कांग। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसे ऐसे टैलेंट अगर हमारे भोजपुरी में आने लगे तो वैसे भी अभी कोई भोजपुरी को नहीं रोका है, क्योंकि भोजपुरी ऑलरेडी ट्रेंडिंग में, ऑलरेडी एक एक नंबर भोजपुरी को। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो भी आता है कहता है कि मैं भोजपुरी को बदलना चाहता हूँ भोजपुरी, लेकिन भोजपुरी अपने आप बदलेगी, ये मैं जानता हूँ कि वो वक्त आ गया है जब भोजपुरी अपने आप बदलेगी। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और कोशिश मरते दम तक करेंगे, क्योंकि वहाँ का पानी और मिट्टी हमारे खून में है। तो हम लोग सिर्फ अपने माता के लिए, अपने मातृभूमि के लिए हम लोग कोशिश में लगे हैं, बाकी भोजपुरी खुद से बदलेगी, ये हमको यकीन है। तो अभी हम लास्ट में ये बताएंगे अभी कि कब रिलीज होगा ये सॉन्ग, अगर आप लोग अभी बता सकते हैं या कब रिलीज होगा। ये बहुत जल्दी ही मतलब इस पे काम लगने जा रहा है, जैसे शूटिंग 3-4 दिन बाद ही एमी भाई शुरू करने वाले हैं, दिल्ली में इसकी शूटिंग होगी, और गाना तो आज ही इनको रफ मिक्स मिल जाएगा जिसपे शूटिंग कर सकते हैं, बाकी कम्प्लीट मान के चलिए ना, जैसे आप नेक्स्ट मंथ एंड तक हम कर देंगे। चलिए फिर एमी, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सॉन्ग, और थैंक यू।